हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स का पार्ट टू, और हम इससे रिलेटेड अपने एमसीक्यूज को इसमें कवर करने वाले हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलेंकली इज एसोसिएटेड विद। जो ये फ्रेज है ये किससे एसोसिएटेड है? ए थॉमस ग्रे, बी कॉलरिज, सी रॉबर्ट बर्न्स एंड डी जॉन कीट्स। सो राइट आंसर इज ए थॉमस ग्रे। ये थॉमस ग्रे से एसोसिएटेड है, उन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट इज द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएटेड विद। ये फ्रेज किससे एसोसिएटेड है? ए रिचर्डसन, बी फील्डिंग, सी हार्डी एंड डी जॉन कीट्स। सो राइट आंसर इज ए रिचर्डसन। ये रिचर्डसन से एसोसिएटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज वेवरली नॉवल्स इज एसोसिएटेड विद। जो फ्रेज है वेवरली नॉवल्स, ये किससे एसोसिएटेड है? ए वॉल्टर स्कॉट, बी हार्डी, सी जी बी शाह एंड डी चार्ल्स डिकेंस। राइट आंसर इज ए वॉल्टर स्कॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुलित्ज़र प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। देखिए, हम हमेशा पढ़ लेते हैं कि ये अवार्ड किसको दिया गया, बट हमें पता भी होना चाहिए किसके द्वारा ये दिया जाता है। ए द अमेरिकन गवर्नमेंट, बी द अमेरिकन अकेडमी, सी नोबल अकेडमी ऑफ अवार्ड्स एंड डी कोलम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। सो राइट आंसर इज डी कोलम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ये कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवॉर्डेड बाय। सेम कि नोबल प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाता है लिटरेचर में। ए द स्वीडिश अकेडमी नॉर्मे, बी द अमेरिकन अकेडमी, सी नोबल अकेडमी ऑफ अवार्ड्स एंड डी द रॉयल अकेडमी ब्रिटेन। सो राइट आंसर इज ए द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे। तो इस स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, जो कहाँ पर है? नॉर्वे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल इज अवॉर्डेड बाय। इन्हीं की तरह बुकर प्राइज जो है ओरिजिनल नॉवल के लिए दिया जाता है किसके द्वारा? ए मैन ग्रोव गिल्ड हॉल लंडन इंग्लैंड, बी द स्वीडिश अकेडमी अवार्ड नॉर्वे, सी द अमेरिकन अकेडमी एंड डी द फोर्ड फाउंडेशन। सो राइट आंसर इज ए मैन ग्रोव गिल्ड हॉल लंडन इंग्लैंड। नेक्स्ट इज एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ। जो अलेक्जेंड्राइन है ये किसकी लास्ट लाइन है? ए ओटावा रीमा, बी स्पेंसेरियन स्टेंजा, सी राइम रॉयल एंड डी टेर्जरीमा। सो राइट आंसर इज बी स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा की क्या है ये लास्ट लाइन जो होती है उसको क्या बोला जाता है? अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेर्जरीमा इज अ स्टेंजा ऑफ। जो टेर्जरीमा है वो कितनी लाइंस के स्टेंजा को बोला जाता है? ए फोर लाइंस, बी फाइव लाइंस, सी थ्री लाइंस एंड डी टू लाइन। सो राइट आंसर इज सी थ्री लाइंस। तीन लाइन के स्टेंजा को टेर्जरीमा बोला जाता है। नेक्स्ट, द स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज़। जो स्पेंसेरियन स्टेंजा है उसमें कितनी लाइंस होती हैं? कितनी लाइंस के स्टेंजा को स्पेंसेरियन स्टेंजा बोला जाता है? ए फोर लाइंस, बी सिक्स लाइन, सी एट लाइंस एंड डी नाइन लाइंस। सो राइट आंसर इज डी नाइन लाइन। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में टोटल नाइन लाइंस होती है। नेक्स्ट, एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स। सेम कि आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है उसमें कितनी लाइंस होती हैं? ए फाइव फीट, बी सेवन फीट, डी सी नाइन फीट एंड डी सिक्स फीट। सो राइट आंसर इज ए फाइव फीट। उसमें फाइव फीट लाइंस होती हैं। आयम्बिक पेंटामीटर जो है हमारा, उसका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है? अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस, रिपीटेड फाइव टाइम्स, हमें याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमेडिया डेल आर्टे। कॉमेडिया डेल आर्टे क्या है? एक टर्म है जो लिटरेचर में यूज की जाती है। क्या है ये? ए अ फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा डेवलप्ड अबाउट मिड 16th सेंचुरी बाय गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स, बी अ फॉर्म ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा, सी अ फॉर्म डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए अ फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा डेवलप्ड अबाउट द मिड 16th सेंचुरी बाय गिल्ड्स प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स। सो 16th सेंचुरी में जो इटालियन प्रोफेशनल एक्टर्स थे उनके द्वारा जो कॉमिक ड्रामा डेवलप किया जाता था उसको क्या बोला जाता था? कॉमेडिया डेल आर्टे। नेक्स्ट इज What was vellum? Vellum क्या है? A parchment made of animal skin, B the service owed to a lord by his peasant, C unrhymed iambic pentameter and D an unbreakable oath of fealty. So right answer is A a parchment made of animal skin. एक तरह का कागज बनाया जाता था animal skin से, उसको बोलते हैं vellum. Now next question is which of the following was not one of the four bodily humors? किस इनमें से कौन सा एक है जो बॉडली ह्यूमर नहीं है? ए क्लॉट, बी ब्लड, सी कैलेस्ट्रॉल एंड डी ब्लैक बाइल। सो राइट आंसर इज सी कैलेस्ट्रॉल। कैलेस्ट्रॉल जो है इन ये बाकी तीन हैं, बट कैलेस्ट्रॉल जो है उन चार ए में से बॉडली ह्यूमर नहीं है। नेक्स्ट इज अ डैश इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन अ फॉर्म विच डज नॉट इन रियलिटी सीक एन आंसर बट रेदर एम्फसाइज अ सर्टेन पॉइंट। ए सटायर,
बी रियोट्रिकल क्वेश्चन, सी आयरनी एंड डी परसुएशन. सो राइट आंसर इज बी रियोट्रिकल क्वेश्चन. देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हम क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते. जैसे हम बोल सकते हैं हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ, मतलब कोई काम गलत कर देते हो तो हम एकदम बोलते हैं, लेकिन हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें बताए कि नहीं तुम बेवकूफ़ हो. या हम कुछ भी मतलब किसी से भी कोई क्वेश्चन ऐसा बोलते हैं जो हम खुद से पूछते हैं करते हैं जिसका हम आंसर ना एक्सपेक्ट कर रहे हों, उसी को बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A dash is a direct and vivid comparison between two things usually considered distant or unrelated. जब directly हम किन्हीं दो चीज़ों में comparison कर दें जो एक दूसरे से ना तो दूर दूर तक एक दूसरे का कोई संबंध है ना ही एक दूसरे से related है, उन दो चीज़ों के बीच में जब comparison किया जाता है उसको क्या बोलते हैं. A metaphor, B simile, C hyperbole and D comparison. So right answer is A metaphor. उसको क्या बोला जाता है, metaphor बोला जाता है जिसको हम ऐसी चीज़ से कंपेयर कर दें किन्हीं दो चीज़ का जिनका आपस में कोई ना तो रिलेशन है दूर दूर तक और ना ही वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ अ रिमार्केबली एग्जेग्रेटेड स्टेटमेंट और आइडिया मीन टू बी टेकन फिगरेटली रैदर देन लिटरेरी. ए मेटाफर, बी सिमली, सी हाइपरबोल एंड डी कंपैरिजन. सो राइट आंसर इज सी हाइपरबोल. हाइपरबोल कहा जाता है छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए जिसकी इतनी ज़रूरत भी ना हो लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा बताया जाए, उसको हाइपरबोल बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 आई सो एट ग्लैंस, कि मैंने एक ही बार में 10,000 तक की दूरी को देख लिया. सो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोली गई बात को हाइपरबोल बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोरी इज़ नॉट अ स्टोरी विदाउट अ डैश एंड डैश. किन दो चीज़ों के बिना स्टोरी स्टोरी नहीं होती. ए प्लॉट एंड कैरेक्टर, बी सीन एंड स्टेज, सी कर्टेन एंड डायरेक्टर एंड डी हीरो एंड हीरोइन. तो राइट आंसर इज ए प्लॉट एंड कैरेक्टर. अगर किसी स्टोरी में प्लॉट या कैरेक्टर ना हो तो वो स्टोरी ही नहीं हो सकती. इन दो चीज़ों के बिना स्टोरी बन ही नहीं सकती. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द रिपीटिशन ऑफ अ सर्टेन साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव वर्ड और फ्रेज. देखिए जब कोई वर्ड जो है एक ही साउंड से स्टार्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं. ए एजोनेंस, बी एलिट्रेशन, सी प्रोलोरिफ्रेशन एंड डी डिजोनेंस. सो राइट आंसर इज बी एलिट्रेशन. एलिट्रेशन के कुछ एग्जांपल में हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल मिक्की माउस MM, डोनाल्ड डक DD, पेपा पिग PP. तो मतलब जो ये सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं जो पूरा एक सेंटेंस होता है और एक ही साउंड से स्टार्ट हो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर टू वर्ड विच साउंड्स लाइक दैट विच दे डिस्क्राइब. सो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि कोई वर्ड है उसकी जो साउंड है, मतलब किसी चीज़ को उसकी साउंड के द्वारा दिखाया जाए. जैसे क्लॉक है, क्लॉक की साउंड क्या होगी, ब्रिंग. या फिर हम क्लैप की आवाज़ को दिखा दें या फिर डॉग की दिखा दें या किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम जो इंग्लिश में दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं. ए एपेस्ट्रॉफ, बी ओनोमाटोपिया, सी ऑक्सीमरन एंड डी लैम्पून. सो राइट आंसर इज बी ओनोमाटोपिया. जैसे हम दिखा सकते हैं कि बी आई, सेंटेंस में बी दिखाई, बी उड़ती हुई आई, उसकी आवाज़ को दिखाया बी करते हुए, तो उसको ओनोमाटोपिया बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर टू न्यू वर्ड्स और वर्ड रिसेंटली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब समथिंग विच हैज़ नेवर बीन डिस्क्राइब. किसी वर्ड को डिस्क्राइब किया गया, कोई एक नया शब्द आया है जो अभी अभी क्रिएट किया गया है और उसको डिस्क्राइब किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं. ए न्योलॉजिज्म, बी नेपोटिज्म, सी डेस्पोटिज्म एंड डी रिपार्टी. सो राइट आंसर इज ए न्योलॉजिज्म. सो न्योलॉजिज्म बोलते हैं जब कोई नया वर्ड अभी अभी क्रिएट हुआ और उसको डिस्क्राइब किया जाए उसको न्योलॉजिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट इज डैश इज व्हेन अ वर्ड इज़ यूज्ड इनकरेक्टली. कोई वर्ड है जिसे गलत तरीके से यूज़ किया गया, ऑफन इन प्लेस ऑफ डैट वन साउंड सिमिलर टू द करेक्ट वन. उसके जैसे ही साउंड करता है कोई वर्ड, दो वर्ड हैं जो एक जैसे साउंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नाइट एंड नाइट, NIGHT नाइट, KNIGHT नाइट, तो दोनों वर्ड सेम साउंड करते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है. तो सेम साउंड करने वाले शब्दों को एक दूसरे की प्लेस पर अगर यूज़ कर लिया जाए गलती से उसको क्या बोलेंगे. ए मेलाप्रोपिज्म, बी डेंड्रोइज्म, सी हीरोइज्म एंड डी सेरिमोनिज्म. सो राइट आंसर इज ए मेलाप्रोपिज्म. उसको मेलाप्रोपिज्म बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन ओवर यूज सेइंग और आइडिया विच हैज़ लॉस्ट इट ओरिजिनल मीनिंग ऑफ पावर. जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है किसी बात या किसी आइडिया को जिसकी वजह से वो अपना असली मीनिंग खो दे तो उसे क्या बोलेंगे. ए पास लीजिए, बी क्लीचे, सी डीजे एंड डी निसिज. सो राइट आंसर इज बी क्लिच. तो क्लिच कहा जाता है जब बार बार किसी चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए कि वो अपनी इंपॉर्टेंस ही खो दे.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज व्हेन एन ऑथर मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ फिगर प्लेस इवेंट और आइडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट। जब टेक्स्ट से बाहर कोई आइडिया या प्लेस है उसका जिक्र वो अपनी बुक में करे उसको क्या कहा जाएगा। ए डल्यूजन, बी एल्यूजन, सी इल्यूजन एंड डी मैलाप्रोपिज्म। सो राइट आंसर इज बी एल्यूजन। तो उसको एल्यूजन बोला जाता है जो टेक्स्ट से बाहर की कोई चीज़ का जिक्र किया जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड डैश ओकर व्हेन देयर इज एन एरर इन द क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन ऑफ अ टेक्स्ट। एक क्रोनोलॉजी में जब कुछ गलत दिखाया जाए उसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ी है हैमलेट। हैमलेट में दिखाया गया है कि हैमलेट जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस यूनिवर्सिटी का उस समय तक कुछ वो था ही नहीं, एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। हमें दिखाया गया कि वो 13th century की है हैमलेट, 13th century का टाइम चल रहा है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी को उसमें दिखाया गया वो 15th century में है, तो 15th century की चीज़ को 13th century में दिखा दिया गया तो उसको क्या बोलते हैं। डाइक्रोनिज्म, बी एनाक्रोनिज्म, सी मोनोइज्म एंड डी मैलाप्रोपिज्म। सो राइट आंसर इज बी एनाक्रोनिज्म। उसको एनाक्रोनिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ मल्टीपल सेंटेंस थ्रू आउट अ पीस ऑफ राइटिंग। सो कोई वर्ड या फ्रेज है जिसको बार बार सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ किया जाए, एक सेंटेंस ख़त्म होता है फिर वो दूसरा सेंटेंस उसी फ्रेज से दोबारा शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे। ए एनाकोंडा, बी हाइड्रोटापिया, सी एनाफोरा एंड डी हाइड्रोफोबिया। सो राइट आंसर इज सी एनाफोरा, उसे एनाफोरा कहा जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ओकर व्हेन समथिंग नॉन ह्यूमन सच एज एन एनिमल प्लेस और इंटीमेट ऑब्जेक्ट बिहेव इन अ ह्यूमन लाइक वे। जब कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की तरह बिहेव करने लगे तो उसे क्या बोला जाता है। ए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, बी एनाक्रोनिज्म, सी एसेंडर्टन एंड डी बाइनरिज्म। सो राइट आंसर इज ए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड स्लैंग। जब किसी गलत लैंग्वेज का या स्लैंग का यूज़ किया जाए इट ऑफन यूज बाई ऑथर टू लैंड अ सेंस ऑफ रियलिज्म टू देयर करेक्टर एंड डायलॉग। तो इसको क्या कहा जाता है। ए डायलॉगिज्म, बी सायलॉजिज्म, सी कोलोक्विलिज्म एंड डी फेलोइज्म। सो राइट आंसर इज सी कोलोक्विलिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड डैश इज व्हेन एन ऑथर इंसर्ट अ फेमस कोटेशन पोएम सॉन्ग और अदर शॉर्ट पैसेज ऑफ टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ लार्जेस्ट टेक्स्ट। देखिए जब कोई बुक या चैप्टर होती है उससे शुरू करने से पहले कोई कोटेशन पोएम या सॉन्ग जोड़ दिया, कोई शॉर्ट पैसेज जोड़ दिया जाए उसकी बिगिनिंग में, उसको क्या कहते हैं। ए एपिग्राफ, बी फोटोग्राफ, सी कैलीग्राफ एंड डी हेक्टोग्राफ। सो राइट आंसर इज ए एपिग्राफ, उसको एपिग्राफ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज सिमिलर टू एनाफोरा बट इन दिस केस द रिपीटेड वर्ड और फ्रेज अपियर एट द एंड ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट। जो एनाफोरा होता है उसमें क्या होता है, कोई स्टेटमेंट या फ्रेज जो है वो शुरू में रिपीट होते हैं, सेंटेंस खत्म हुआ फिर उसकी शुरू में आई। लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट वाली जो जैसे सपोज एक स्टेटमेंट है कहीं ख़त्म हुई है, जो लास्ट में जहाँ ख़त्म होगी उसी से अगला सेंटेंस फिर से शुरू हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं। ए एपिस्ट्रॉप, बी एपिस्ट्रॉप, सी कैटास्ट्रॉप एंड डी एनाग्राफी। सो राइट आंसर इज ए एपिस्ट्रॉप, उसको एपिस्ट्रॉप बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज व्हेन अ मोर माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज डैट इज कंसिडर हार्श ब्लंट वल्गर और अनप्लीजेंट। जब एक शब्द की जगह किसी मतलब कोई ऐसे शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा बुरे हैं उनकी जगह पर दूसरे अच्छे शब्दों को यूज़ किया जाए उसे क्या बोलते हैं। ए यूपिज्म, बी मैलापोरोपिज्म, सी एसेंडर्टन एंड डी सायलॉजिज्म। सो राइट आंसर इज ए यूपिज्म, उसे यूपिज्म कहा जाता है। So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe and please share my videos. And thank you all who just subscribed my channel. Thank you so much. Please subscribe for more videos. Bye bye.